साडा पिंड विद एमके। सो गाइस, काफ़ी दिनों से जो इशू चल रहा था जी बारिश का, तो अभी इन दिनों में माशाल्लाह आज सुबह से माशाल्लाह जितनी बारिशें हो रही हैं और जो कंडीशन बनी है अभी इस कसूर वाले हमारे एरिए की, माशाल्लाह तो सैलाब कह सकते हैं जी, सैलाब आया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बारिशें हो रही हैं, लेकिन हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि जितनी बारिश आए, जितने भी बारिश आए, लेकिन वो अल्लाह अपनी रहमत की डाले। ठीक है जी, तो अभी आप मेरे पीछे सारा व्यू भी दे सकते हैं जी। माशाल्लाह ये पानी है जो बहुत ज़्यादा गहरा पानी है और बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये सारा बारिशों का पानी है। पीछे फसलें सारी डूबी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पानी हो गया है और सैलाब का मंज़र ये पेश कर रहा है जितनी ये बारिश हुई है। तो एक नज़र से देखा जाए तो ये भी एक अल्लाह का अज़ाब ही होता है, तो हमारी अल्लाह से यही दुआ है, तो लोगों से भी यही दुआ है कि वो अच्छे अच्छे काम करें, ठीक है, और अल्लाह से दुआ करें कि हमें ये भी एक अज़ाब की शक्ल में जो इतनी बारिश हो रही है, तो अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह जितनी बारिश डालें, अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश डालें। ठीक है जी, तो अभी हम अपने बैक कैमरे से आपको व्यू दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ तक पानी आया हुआ और कितना कितना पानी है। ठीक है जी, चलें तो देखते हैं जी हम। तो गाइस, आपको दूर दूर तक जहाँ भी नज़र जा रही है, ये सारा पानी ही पानी है, सारी फसलें डूबी हुई हैं। ठीक है, ये पाँच छः छः फुट का जो गहरा पानी है। ठीक है जी, तो अभी हम एक बन के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा जिस साइड पे हम खड़े हैं उधर एक बन है। ठीक है, तो आपको दूर दूर तक जिधर भी नज़र आ रहा है ना, तो ये सारा पानी ही पानी है। और ये आज वाली जो बारिश है ना, ये इतनी कसूर में नहीं, सभी एरियों में, पूरे पंजाब में काफ़ी बारिशें हुई हैं और ये सारा पानी जो आपको नज़र आ रहा है, ये बारिशों का ही है जी। दूर दूर तक जो फसलें डूबी हुई हैं, बारिश का पानी है सारा। अभी ये नहीं पता कि इधर कौन सी फसल डूबी हुई है। भाई, आपको पता है इधर कौन सी फसल डूबी हुई है? ये मज़र भाई, इधर हमारी वो जो होता है ना चरी, ये मेरे एक भाई है, मेरे दोस्त भी हैं माशाल्लाह, तो इन्होंने इधर ना चरी लगाई हुई थी, पट्टे जो ना चारा लगाया हुआ था भैंसों के लिए, इधर चरी लगी हुई, तो वो चरी डूबी हुई है। पाँच छः छः फुट तो चरी का कद होता है, तो हाँ जी, तो वही वो इधर डूबी हुई है। तो इधर जो ज़मीन का लेवल है वो थोड़ा सा गहरा है। ठीक है, तो वो फसल सारी डूबी हुई है, ये पानी इसके ऊपर आया हुआ, आपको नज़र आ रही होगी ये फसल, आपको ये फसल नज़र आ रही होगी ना, ये देखना फसल आपको नज़र आ रही होगी। आज सुबह घंटों बारिश हुई है ना, तो ये बारिश का नतीजा तो आपने देख लिया है, जो कसूर की कंडीशन है। ठीक है जी, कसूर के सभी एरियों में, कसूर सिटी के अंदर तो बहुत ज़्यादा ना जो अपना सूरत हाल थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पाँच छः छः सात फुट पानी था। ठीक है, मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ सारा कुछ पानी, जो पानी सैलाब टाइप जो पानी था वो बहा के ले गया, तो इधर भी यही कंडीशन है। ठीक है जी, कसूर में आप जिधर भी देखेंगे, जिस साइड में भी देखेंगे, यही सूरत हाल है। तो अभी भी माशाल्लाह आप देख रहे हैं ऊपर बादल जो है ना, वो ऐसे ही है, जो सूरत हाल बनी हुई ना बारिश की, वो अभी भी है, काफ़ी चांसेस हैं। सभी भाइयों से गुजारिश है कि वो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक जितनी भी बारिश डालें वो अपनी रहमत की डालें। ठीक है, और बादल अभी बने हुए हैं। ठीक है, और जो है महकमा मौसमियात वाले भी यही बता रहे हैं कि अभी बारिश है। ठीक है, तो अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश डाले, तो सभी भाई दुआ करें, इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं। तो अभी आपसे लेते हैं इजाज़त और मुलाकात होती है आपके साथ अगले व्लॉग में। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जी, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नई वीडियोस को एंजॉय करने के लिए बेल आइकन को दबाएं और मज़े मज़े की वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, कॉमेंट करें। थैंक यू, शुक्रिया जी, अल्लाह।